स्टार्ट मैं उर्दू में करूँ, आप तो उर्दू में करो। स्टार्ट ना मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे साथ कौंसिल के बहुत बेहतरीन शख्सियत और इमो के वीपी जनाब मजीद भाई मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और इमो के बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में इसका खास का फोकस रहा है और पाकिस्तान के अंदर में जो इमो का कामयाब किस तरीके से और क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, मजीद पनवाला। मैं पाकिस्तान के अंदर में आईएमओ के अंदर पाकिस्तान का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पूरी दुनिया का काम जिस तरह से आपने देखा, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। आईएमओ का मकसद ये है कि एक जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, वो पूरी दुनिया से जितने भी लोग हैं वो सेलेक्ट करते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं और जो हमारे मेंबरान हैं बोर्ड के और पैट्रन्स, वो तकरीबन अबाउट 40 के करीब हैं। वो बोर्ड डिसाइड करते हैं, वो वोटिंग करते हैं कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा। 2 साल का टेन्योर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज बहुत खुशी हुई है सबसे पहले कि हमारे साथ जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सलीम अब्दुल करीम साहब हैं, वो मोजम्बिक से ताल्लुक उनका है और अपनी बिरादरी के अंदर में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी ये भी है कि हम अब जब पाकिस्तान का मैं वीपी हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात इस तरह से करूँगा कि ये लास्ट टेन्योर के अंदर में, यानी कि 1 साल जो पूरा हुआ इसके अंदर में हमने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि एक बचत बाजार लगाया, जिसके अंदर में अबाउट 7,500 से 8,000 मेमन बरादरी के लोग आए और वो मेमन बरादरी के लोगों ने जो 30% डिस्काउंट के ऊपर जो माल खरीदा वहाँ पे। 4 दिन का ये स्टॉल था जिसके अंदर में हमने फर्स्ट डे जो है वो मेमन डे मनाया था जो 14 अप्रैल को था और इसके बाद कंटिन्यूसली 3 दिन जो है वो मेमन डी के बाद जो है वो हमने बचत बना लगा। जी, आपने जहाँ तक की बात की कि भैया आप और उससे ज़्यादा और पाकिस्तान के अंदर इमो के और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। बिल्कुल, हमने जो है वहाँ पे कुर्बानी की और कुर्बानी के हवाले से जो है वो 1,000 घर के अंदर में जो मेमन गरीब लोग हैं या मतलब वो जो साहेब है मतलब इतने वो नहीं है, ताकत नहीं रखते, जो कुर्बानी नहीं करते उनके घरों में हाई रूफ में सुजुकी में दूसरी जगहों पर मोटरसाइकिल पर उनके घर जाके जो है वो कुर्बानी का गोश्त वहाँ पर हमने दिया। अबाउट 1,000 घर के अंदर में हमने जो कुर्बानी का गोश्त पहुँचा। जी, आगे क्या प्लान है आपका, इसको क्या एक्सटेंशन करना चाहते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं वो बिजनेस टू बिजनेस चल रहे हैं। हम बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं कि वो बच्चे जो अभी इस वक्त ग्रेजुएट हो गए बट उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या उनके वालदेन के अंदर में इतना वो नहीं है कि अब उन बच्चों को हम क्या काम करवाएं। अक्सर ऐसा होता है ना कि बराबर में जो दोस्त है या जो क्लासमेट जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, उसी के हिसाब से वो बात कर लेते हैं कि यार ये भी ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। बट यहाँ पे जो है वो फील्ड बहुत बड़ी हो गई है, आईटी के अंदर में काम हो रहा है, दूसरे ये कि ट्रांजेक्शन बहुत सारी इस तरह बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आजकल काम ज़्यादा है, तो हम उनको नई नई फील्ड जो हो रही है उनके करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम कराते हैं। अबाउट 500-600 लोगों को हम बच्चों को जो है हम इन्वाइट करते हैं, उनकी जो एक बड़े ऑडिटोरियम के अंदर में हम उनको बुला के उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं कि आजकल के दौर के अंदर में आगे फ्यूचर में क्या डिमांड ज़्यादा होगी। तो एक बच्चे की अपनी वो होती है बट जब एक टीचर आके जब बात बताता है उसके अलग बात। जी, ये थे पाकिस्तान के वीपी जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। मैं मेमोंदुनिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए दुबई आए, हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।